कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। कलर बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। देश में जारी कोरोना का प्रकोप फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। रोजाना आने वाले मामलों में जरूर थोड़ी कमी देखी गई है, लेकिन मौतों का सिलसिला जारी है। मंगलवार को एक बार रिकॉर्ड 4,205 मरीजों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,48,421 नए मामले दर्ज किए गए हैं। राहत इस बात से महसूस की जा सकती है कि अब ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटों में 3,55,338 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। तहलका मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म केस में गोवा की कोर्ट अब 19 मई को फैसला सुनाएगी। इससे पहले कोर्ट ने 27 मार्च को इस केस की सुनवाई 12 मई को करने का आदेश दिया था। तरुण तेजपाल को 30 नवंबर 2013 को अपनी जूनियर पत्रकार के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उस समय उन्होंने गोवा की भाजपा सरकार पर राजनीतिक बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया था। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन ने कोरोना से जंग जीत ली है। उसे मंगलवार को एम्स से डिस्चार्ज कर वापस तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। छोटा राजन को तिहाड़ की जेल नंबर 2 में कड़े सुरक्षा घेरे में रखा गया है। कोरोना होने पर राजन का 22 अप्रैल से जेल के अस्पताल में इलाज चल रहा था। हालत बिगड़ने पर उसे 25 अप्रैल को एम्स में शिफ्ट किया गया था। इलाज के दौरान 7 मई को छोटा राजन की मौत की अफवाह उड़ी थी। इसके बाद एम्स ने इसका खंडन किया था। देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच एक अच्छी खबर है कि जल्द ही 2 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू किया जा सकता है। बता दें कि हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने 2 से 18 साल के बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति मांगी थी। एक विशेषज्ञ समिति ने मंगलवार को 2 से 18 आयु वर्ग के लिए भारत बायोटेक के कोविड 19 टीके कोवैक्सीन के दूसरे व तीसरे चरण के लिए परीक्षण की सिफारिश की है। पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव ने जेल में भूख हड़ताल कर दी है। पप्पू यादव मंगलवार देर रात पटना से मधेपुरा भेजे जाने के बाद सुपौल के वीरपुर जेल में शिफ्ट किए गए थे, जहां उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। पप्पू ने ट्वीट कर जानकारी दी और लिखा है, वीरपुर जेल में मैं भूख हड़ताल पर हूँ। न पानी है, न वॉशरूम है। मेरे पाँव का ऑपरेशन हुआ था, नीचे बैठ नहीं सकता, कमोड भी नहीं है। एम्बुलेंस माफिया को बेनकाब करना ही मेरा अपराध है, मेरी लड़ाई जारी है। बिहार के दबंग नेता व पूर्व सांसद पप्पू यादव को कल लॉकडाउन नियमों के उल्लंघन करने व पुराने एक अपहरण के मामले में गिरफ्तार करने के बाद यह मामला नीतीश सरकार के गले की हड्डी बनता दिख रहा है। अगर पप्पू जी को कुछ हुआ, जिसकी मुझे आशंका है, तो नीतीश जी आपके लिए और बिहार की एनडीए सरकार के लिए ठीक नहीं होगा। पप्पू जी के साथ कोई बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। ये गुस्सा और नाराजगी जाहिर करते पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस की पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने बिहार की नीतीश सरकार को साफ साफ चेतावनी दे दी है। पप्पू यादव के समर्थन में सामने आए लोगों का कहना है कि अभी कोरोना काल में सबको मिलकर मुकाबला करने की जरूरत है, राजनीति की नहीं। गुजरात के भावनगर स्थित एक कोविड केयर सेंटर में देर रात आग लग गई। दुर्घटना के वक्त कोविड केयर सेंटर में 70 मरीज भर्ती थे। मिली जानकारी के अनुसार आग कालूबा रोड पर स्थित होटल जनरेशन में लगी। इस होटल को कोविड मरीजों के इलाज के लिए केयर सेंटर में तब्दील कर दिया है। बताया गया कि मंगलवार देर रात करीब 12 बजे होटल की तीसरी मंजिल के एक कमरे में आग लगी, जिसके तुरंत बाद लगभग 70 कोविड रोगियों को अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित किया गया। भारत में मिले कोरोना वायरस वेरिएंट की पुष्टि विश्व के दर्जनों देशों में भी हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात की जानकारी बुधवार को दी है। स्वास्थ्य एजेंसी का मानना है कि भारत में तेजी से बढ़ते संक्रमण के मामले के पीछे B1670 वेरिएंट जिम्मेदार है।
खास बात है कि भारत के अलावा ब्रिटेन में भी इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। भारत में बीती मार्च के बाद से ही संक्रमण के मामलों का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा था। केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष वैक्सीन वितरण का फॉर्मूला शेयर किया गया है। इसके मुताबिक राज्य सरकारों को 18 से 44 आयु वर्ग की आबादी के लिए मई में करीब 2 करोड़ खुराक दी जाएगी। साथ ही यह भी कहा है कि इस महीने वैक्सीन की 8.5 करोड़ खुराक उत्पादन होने की उम्मीद है। केंद्र ने कहा कि वह उन खुराकों के लिए भी कोटा तय कर चुका है कि जो राज्य द्वारा सीधे वैक्सीन निर्माताओं से खरीदने की जरूरत है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक जल्द ही विधानसभा की सदस्यता से त्याग पत्र दे सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शांतिपुर से बीजेपी के विधायक जगन्नाथ सरकार और दिनहाटा से पार्टी के MLA निशित प्रमाणिक अपनी अपनी विधायकी की सीट छोड़ सकते हैं। ये दोनों पश्चिम बंगाल के विधानसभा अध्यक्ष बिमान बैनर्जी को अगले 2 सप्ताह के अंदर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व चाहता है कि वे एक सांसद के रूप में अपना काम जारी रखें, ताकि वे एक के बजाय 7-7 विधानसभा सीटों की जनता की सेवा कर सके। तो टॉप 10 के खबरों के साथ अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।